सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यार, जियो की तरफ से जब भी कोई नया अनाउंसमेंट निकल के आता है ना, तो मतलब एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है सुनने के लिए। तो ऐसे में आज दोस्तों इस वीडियो को अगर देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स के बारे में, जहां पे है जियो 5G फोन, साथ दोस्तों है JioTV+, JioMart और JioGlass, मतलब ये नहीं है लेकिन ऐसा ही कुछ चश्मा है। तो आज आप इस वीडियो को अगर देखते रहिए और मैं आपसे इन सब चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले, अगर आप भैया एक्साइटेड हैं जियो 5G के लिए या जियो 5G फोन के लिए या जियो के किसी ऐसे जादुई चश्मे के लिए, तो जल्दी से इस वीडियो को अभी का अभी लाइक और शेयर कर दीजिए। जहां पे अभी दोस्तों हुआ ऐसा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 43rd एनुअल जनरल मीटिंग में हम कुछ जियो की तरफ से बहुत सारे नए नए अनाउंसमेंट्स सुनने को मिले दोस्तों, हर साल की तरह। और ऐसे में जो खास बातें हैं वो आपको इस वीडियो में बताता हूं। तो यार, पहली बात तो ये कि जियो के पास में ग्लोबली बहुत सारे ब्रांड्स की तरफ से बहुत सारा इन्वेस्ट आया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है वो 1,50,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है वो अमाउंट निकल के आती है। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स, चाहे वो फेसबुक हो या इंटेल हो या साथ में गूगल हो, जो पार्टनरशिप दोस्तों है वो बहुत स्ट्रांग हो रही है जियो और जो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है उनके बीच में। यहाँ पे दोस्तों फिर हम बात करते हैं अगर जियो 5G के बारे में, तो मतलब काफी टाइम से वेट था कि अगर 5G कब आएगा। तो यहाँ पे जियो ने अनाउंस किया कि दोस्तों 5G न सिर्फ जल्दी आएगा, ये एक completely 100% built from scratch homegrown technology के साथ में आएगा। Today friends, I have great pride in announcing that Jio has designed and developed a complete 5G solution from scratch. This will enable us to launch a world-class 5G service in India using 100% homegrown technology and solution. This made in India 5G solution will be ready for trials as soon as 5G spectrum is available and can be ready for field deployment next year. जो इंडिया में बनी है, तो यार ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात है। और न सिर्फ जियो इसको खुद को यूज करेगा, यहाँ पे दोस्तों ये जियो जो है वो बाकी 5G ऑपरेटर्स को भी प्रोवाइड करेगा सर्विसेज ग्लोबली। तो यार ये अपने आप में सुन के बहुत ही अच्छा लगा। आत्मनिर्भर भारत, मतलब हम बस इंतजार कर रहे हैं कि यार कैसे 5G बस जल्दी से आ जाए। और इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे जियो ने ये बोला है कि ये बहुत जल्दी ट्रायल शुरू कर सकते हैं, जैसे ही स्पेक्ट्रम अवेलेबल होता है ट्रायल स्टार्ट हो जाएंगी और ऐसे में अगले साल तक सर्विसेज डिप्लॉय भी हो सकती है। दोस्तों ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, बस देखते हैं एग्जैक्टली कि गवर्नमेंट जो है वो ट्रायल्स वगैरह कब तक शुरू करती है 5G को लेकर। लेकिन ऐसे में दोस्तों जो 5G है, इसके बेनिफिट्स डेफिनेटली हमको ऑल अक्रॉस अलग अलग इंडस्ट्रीज में ढेर सारे देखने को मिलेंगे। अभी खैर, अगर आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा है कि यार 5G तो ठीक है, बेनिफिट्स भी ठीक है, लेकिन फिर 5G फोन का क्या, बिकॉज 5G फोन तो बहुत महंगे होते हैं, तो एक और दोस्तों अनाउंसमेंट निकल के आया है रिलायंस की तरफ से कि हमको 5G फोन्स मिलने वाले हैं जियो की तरफ से, जो एक मतलब फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट पे दोस्तों आएंगे। जो करंट मार्केट में 5G फोन्स आप देखते हो उससे अगर आप कंपेयर करेंगे, तो मतलब काफी बजट रेंज के दोस्तों शायद 5G फोन्स हमको जियो की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। और इसी के लिए दोस्तों गूगल के साथ मिलकर और पार्टनरशिप की जा रही है, बिकॉज एक कैसा नया OS बनाया जाए मतलब जियो के साथ और गूगल दोस्तों अगर हम देखें साथ में कंबाइन करते हुए, तो ऐसे में एंड्रॉयड बेस्ड कुछ एक OS की बात हो रही है कि कैसे अफोर्डेबल फोन्स के लिए नया एक OS बनाया जाए। तो यहां पर दोस्तों शायद हम अगर बात करते हैं जियो फोन 3 की या किसी और ऐसे बजट फोन की, तो वहां भी हमको इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात आती है JioTV+ की। तो यहां पे अभी सीन क्या है ना कि मतलब हम जो है वो तरह तरह के OTT प्लेटफॉर्म्स को दोस्तों यूज करते हैं, फिर चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या प्राइम वीडियो या Disney+ Hotstar या वूट वगैरह। तो यहां पर दोस्तों बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट सभी पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स को कंबाइन करके एक ही जगह पे आ गया है JioTV+, जहां पे आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अभी एग्जैक्टली जो सब्सक्रिप्शन है कितने का होगा इसके बारे में डिटेल्स नहीं है, लेकिन उसके बाद में आप ऑल अक्रॉस सभी प्लेटफॉर्म का जो कंटेंट है वो दोस्तों एक साथ एंजॉय कर पाएंगे। सामने आपके पास में यूनिफाइड सर्च का ऑप्शन होगा, वॉइस सर्च का ऑप्शन होगा, और ऐसे में आप जो है वो फॉर एग्जांपल आपको किसी एक पर्टिकुलर स्टार की मूवीज देखनी है या आपको पर्टिकुलर मान लो किसी एक डायरेक्टर की मूवीज देखनी है, तो वो सभी आप सर्च करते हुए बड़े आराम से सीमलेसली सभी प्लेटफॉर्म्स को एक साथ एंजॉय कर पाएंगे। मतलब कंटेंट आपके लिए एक साथ आ जाएगा। तो यार ये
एक बहुत अच्छी बात है कि जहां पे आपको 10-10, 15-15 अलग अलग सब्सक्रिप्शन मैनेज करने की जरूरत नहीं है, एक सब्सक्रिप्शन ले लो जियो टीवी प्लस का जिसमें सब कुछ शामिल हो जाएगा। यहां पर दोस्तों अगर हम बढ़ते हैं आगे तो बात होती है जियो मार्ट की। तो जियो मार्ट जो है वो दोस्तों ट्रांसफॉर्म कर रहा है जो लोकल किराना शॉप्स हैं उनको ऑनलाइन मार्केट प्लेस में, मतलब जहां पे एक नॉर्मल दोस्तों जो किसी कहीं गली मोहल्ले में दुकान है वो भी ऑनलाइन ऑर्डर्स ले सकता है और अपने कस्टमर्स को ऑर्डर्स को पहुंचा सकता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग अप्रोच है जहां पे व्हाट्सएप के साथ में मिलते हुए इस चीज को दोस्तों और आगे बढ़ाया जाएगा, तो यार ये एक अच्छी बात है। साथ में निकल के आता है जियो का एक नया एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एम्बाइब, तो ये भी दोस्तों ऑनलाइन लर्निंग वगैरह के लिए, टीचिंग वगैरह के लिए काफी नए इंप्रूवमेंट्स लेके आएगा। और फिर अगर मैं आपसे बात करता हूं जियो ग्लास के बारे में, तो मतलब दिखने में काफी कुछ ऐसा है। तो यहां पर दोस्तों ये है जियो का एक ऑगमेंटेड रियलिटी सॉल्यूशन जहां पे ये जो एक ऐसा डिवाइस दोस्तों है जियो ग्लास, कुछ ऐसी चीज है जहां पे ये आपके फोन से डेटा के लिए जब उसको डेटा चाहिए तो एक बड़े आराम से एक केबल के थ्रू दोस्तों कनेक्ट हो जाता है। और ऐसे में यहां पे इसका वेट सिर्फ 75 ग्राम है, साथ में यहां पे एक हाई रेज डिस्प्ले है जियो का ऐसा कहना है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे हमको पर्सनलाइज्ड ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा और इसको हम अलग अलग तरीके से काम में ले सकते हैं। फिर चाहे दोस्तों आपसे बात करूं 3D होलोग्राफिक वर्चुअल मीटिंग्स के लिए, या फिर अगर आप दोस्तों कुछ ऐसा ही किसी मीटिंग में अगर आप एक प्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो आप वो काम भी कर पाएंगे, आप ऐसे में 2D और 3D को मिक्स कर पाएंगे, तो यार ये भी अपने में बहुत ही अच्छी बात है। और इसकी हालांकि प्राइस क्या होने वाली है, अवेलेबिलिटी क्या होगी उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है फिलहाल, लेकिन जितना मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादा महंगा तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज जियो जो है वो हमेशा हमने देखा है कि मास स्केल पे ही काम करता है। तो मतलब ऐसा नहीं होगा भैया 2 लाख रुपए का लॉन्च कर दो भैया कोई ले नहीं पा रहा है। तो ये दोस्तों है जियो ग्लास की, मतलब जादुई चश्मा है, आपने इसे पहन लिया उसके बाद दोस्तों आपके सामने वो स्क्रीन वगैरह आ रहा है, सामने कैमरा भी है। तो मतलब हालांकि एग्जैक्टली कितना प्रैक्टिकल होगा, कितना फंक्शनल होगा वो मुझे देखना है, लेकिन दोस्तों जियो के हिसाब से अभी करंटली 25 ऐप्स को ऑलरेडी सपोर्ट करता है। तो हालांकि AR जो है वो स्टिल इन द डेवलपमेंट स्टेज में कहूंगा, लेकिन जितना दोस्तों यहां पे हमने प्रेजेंटेशन देखा है तो देख के कुछ चीज ठीक लगती है, कुछ चीज लगता है कि अभी और इंप्रूव होनी बाकी है, लेकिन देखते हैं एग्जैक्टली कि जियो अपने ग्लास को कब लेके आता है मार्केट में। तो दोस्तों ये थे कुछ की डेवलपमेंट्स जियो की तरफ से, जियो टीवी प्लस, जियो 5G, 5G फोन, जियो मार्ट और जियो ग्लास को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, मतलब सुनने में तो यार बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार काफी नई नई चीज आने वाली है। वो सब देखते हैं कि जियो का सस्ते वाला 5G फोन कब आ जाए, जियो धन धनाधन ऑफर के साथ में हमें मिल जाए अनलिमिटेड डेटा और हम चश्मा पहन पहन के उस डेटे को एंजॉय करते रहे। दोस्तों बस में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूं। इस फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।